नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर। मैं हूं आपके साथ नीति पुरोहित। बढ़ते आज की खबरों की ओर। एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई समिति के लिए सरकार ने शनिवार को 8 सदस्यों का नाम जारी किया। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी का नाम शामिल रहा। इनके अलावा समिति में 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सेन, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी भी हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य और विधि विभाग के सचिव नितिन चंद्र समिति के सचिव होंगे। सरकार ने शनिवार को ही समिति के कामकाज की अधिसूचना भी जारी की। इसके मुताबिक समिति यह भी देखेगी कि इसके लिए राज्यों की सहमति कितनी जरूरी है या कितने राज्यों की सहमति जरूरी होगी। वहीं कांग्रेस ने समिति को संसदीय लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश बताया। अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि नतीजे पहले से ही तय हैं।